दशहरे से जानकारी देते हुए मंदिर प्रबंधक जगदीश रामदास ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी गांधी मैदान में मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा पंडाल गांधी मैदान में तैयार हो रहा है। पंडाल में कृष्ण लीला के कई झांकियां भी रहेंगी। इस्कॉन मंदिर में सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती, 7:30 बजे गुरु पूजा, 8 बजे कृष्ण कथा होगा। दिन भर प्रसाद वितरण जारी रहेगा तथा हरि कीर्तन भी। शाम में दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम 6 बजे प्रारंभ होगा। इस्कॉन गर्ल्स फोरम कई नृत्य परिवेषण करेगी। इस्कॉन यूथ फोरम के कलाकार ड्रामा प्रस्तुत करेंगे। रात 10 बजे महाभिषेक शुरू होगा। उसके उपरांत 56 भोग और महाआरती होगी। 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का विशेष मुहूर्त मनाया जाएगा और मटकी फोड़ा जाएगा। सूचित रहे कि जहानाबाद में इस्कॉन गया मंदिर की सौजन्य से 6 सितंबर को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। 7 सितंबर को इस्कॉन के प्रबंधन में राम जानकी मंदिर छोटकी डेढ़ा में भी जन्माष्टमी मनाया जाएगा। 9 सितंबर को कैंडी नवादा में इस्कॉन मंदिर के सौजन्य से जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। वैसे तो हम कल मना रहे हैं 7 सितंबर को, फिर भी आज भी हमारे मंदिर में सजावट है। आज भी लोग आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं, यहाँ पे भोग लगा रहे हैं, भगवान जी को फूल अर्पित कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा कीर्तन भी जारी है, प्रसाद वितरण भी जारी है। तो ये आज तो यहाँ पे मना रहे हैं हम, और कल जो है सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती है, उसके बाद दर्शन आरती, गुरु पूजा, सुबह प्रवचन भी रहेगा और फिर ये कीर्तन जारी रहेगा कल दिन भर। शाम को 6 बजे से गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है, जहाँ पे बुक फेयर लगता है, तो वहाँ पे पंडाल बना हुआ है, तो वहाँ पे हमारा कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा कल शाम में, 7 तारीख शाम में 7 बजे, 6 बजे। तो 6 बजे से कीर्तन होगा और उसके बाद आरती होगी, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसमें भी कृष्ण कथा होगी, और उसके बाद जो हमारे जो गर्ल्स फोरम है, इस्कॉन गर्ल्स फोरम है, वो कई नृत्य परिवेषण करेंगे भगवान जी के कई लीलाओं के ऊपर। और एक जो हमारा जो यूथ फोरम है, इस्कॉन यूथ फोरम, वो एक ड्रामा प्रस्तुत करेंगे। तो वो ड्रामा के बाद फिर हम भगवान जी का अभिषेक शुरू करेंगे, उसके बाद फिर भोग लगेगा, 108 भोग लगेगा भगवान जी को, फिर आरती होगी और लास्ट में 12 बजे मटकी फोड़ का कार्यक्रम है, वहाँ पे मटकी फोड़ा जाएगा, क्रैकर्स होंगे, पटाखे भी छोड़ेंगे और इसी प्रकार फिर आखिर में प्रसाद वितरण करके इसको लगभग रात को 1 बजे इसका समापन किया जाएगा। जी 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 जगदीश श्यामदास, इस्कॉन गया मंदिर का अध्यक्ष।